नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। जैसे कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, इसमें जो मेंटेनर की पोस्ट आ रखी है आईटीआई वाले बच्चों के लिए, वैसे और भी कैटेगरी के लिए पोस्ट आ रखी है, लेकिन मेरा जो फोकस है मोस्टली आईटीआई पर है, तो वही आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 11 तारीख को इसका फॉर्म चालू हो जाएगा, फॉर्म चालू हो गया है, और मैं आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन में जो अपडेट्स होगी वो ज़रूर लेकर आऊँगा। यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, जो नोटिफिकेशन पुराना था वही का वही इन्होंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो जो चीज़ें यहाँ पर दे रखी है मैं आपको भलीभांति एक्सप्लेन कर दूंगा। जो बच्चे उस दिन वीडियो नहीं देख पाए थे किसी कारणवश, वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उससे भी अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं सबसे पहले आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे लेकर जाऊंगा, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। बच्चों को लगता है कि फॉर्म जो है चालू नहीं हुआ है, तो यहाँ पर दो इन्होंने पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का, मैं आप लोगों को दोनों लिंक दे दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दोनों लिंक दूंगा। और उसके बाद जो है पहला ये आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आप लोगों का यहाँ पर ये वाला पेज भी मैं आपको दे दूंगा, ये आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड का, मतलब यूज़र आईडी और DOB से आप जो है लॉगिन कर पाएंगे और फिर अपने फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद इसका फॉर्म फिल करने के लिए लगभग एक महीना आप लोगों के पास, तो संडे तक आप लोगों को फॉर्म की वीडियो मिल जाएगी। पूरी कोशिश है, जैसे मैंने जो है कुछ फॉर्म की वीडियो आप लोगों को और भी प्रोवाइड की है, तो इसकी भी मैं आप लोगों को इस संडे तक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चिंता मत करना, फॉर्म की वीडियो 100% आप लोगों को हमारे इस चैनल पे या फिर जो हमारा गौरव जंक्शन चैनल है उस पर मिल जाएगी। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म की वीडियो 100% आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा जैसे बताता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनका और जो है यहाँ पर लॉगिन वाला पेज। मैं आपको अब एडवर्टाइजमेंट पे लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि जो हमारा DMRC है, LMRC है या फिर UPMRC है, इनकी जो स्टडी होती है वो ऑलमोस्ट जो है सेम होती है। तो फिटर जो हो गया आप लोगों का, फिटर के अलावा जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक के मैकेनिक के बाद जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन है। तो इनका जो स्टडी मटेरियल है पढ़ाई के लिए मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जो है उससे तैयारी कर लेना, तैयारी आप लोगों की हो जाएगी, प्लस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम हमारा बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, किस तरीके के टेक्निकल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को डेट बता देता हूँ, डेट मैंने आपको पहले भी रिपीट किया, तो 11/3 से फॉर्म चालू हुआ, ठीक है, और ये फॉर्म जो है आप लोगों का 2/4 तक चलेगा लगभग। जो है यहाँ पर आप मान के चलो कि इन्होंने अच्छा पीरियड दे रखा है फॉर्म को फिल करने के लिए। डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड जो है 10/4/2021 है, डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन CBT की 17/4/2021 है। तो ये टेंटेटिव है, इसमें आप लोगों को चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों की असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, जिस पर मैं फोकस नहीं कर रहा, मैं फोकस नीचे वाली पोस्ट पर करूँगा। तो यहाँ पर जो है तीन पोस्ट ऐसी हैं, तीन प्रोफाइल ऐसी हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वाली, SNT वाली और सिविलियन वाली। जो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है इसका सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें 52 इन्होंने पोस्ट दे रखी है, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है, अनरिजर्व, OBC, EWS, ये आप देख सकते हैं वुमेन के लिए। ITI वाले बच्चे जो है यहाँ पर NCVT, SCVT से है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना, मिनिमम आप लोग के 60% मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व, EWS, OBC वालों के लिए, और जो बच्चे SC हैं, ST हैं, उनको 50% में भी यहाँ पर फॉर्म फिल करने का मौका दिया जा रहा है। एज का क्राइटेरिया 21 से 28 साल रखा हुआ है, और एक चीज़ और, यहाँ पर B1 लेवल का मेडिकल होगा आप लोगों का, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। B1 लेवल का जो मेडिकल होता है वो बहुत ही ईजी होता है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रिटर्न होता है आप लोगों का, रिटर्न के बाद आप लोगों का मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो रिटर्न वाले जो चीज़ें हैं उसकी तैयारी में आप लोग लग जाओ, क्योंकि अभी जो है आप लोगों के रेगुलरली बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। मेंटेनर की पोस्ट है तो UP में घमासान होगा, मुझे पता है, क्योंकि इसमें जो है बच्चे बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल करने वाले हैं। लेकिन फॉर्म फिल कर रहे हो तो यार उसका आउटपुट भी आप लोगों को मिलना चाहिए, पढ़ाई ढंग से होनी चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आए थे, पिछले सालों में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद मेंटेनर में जो SNT वाला है, इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए 60% जो क्राइटेरिया मार्क्स का 10th क्लास में होना चाहिए, ITI में आप लोगों का 60% का क्राइटेरिया इन्होंने होना चाहिए, सॉरी 10th बोल दिया, ITI यहाँ पर क्राइटेरिया रखा है। अनडिजर्व EWS की जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर जो है OBC वाले बच्चे 60% का क्राइटेरिया।
50% SC वाले बच्चों के लिए रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो मेंटेनर सिविल की पोस्ट है, इसमें फिटर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, NCVT SCVT दोनों को मौका दिया है। IT में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, अनरिजर्व AWS OBC से हैं आप तो, अदरवाइज 50% में SC वाले बच्चों को यहाँ पर फॉर्म फिल करने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ पर देख लो आप, 52 वैकेंसी है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 24 है, तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना कि आपको अप्लाई करना है नहीं करना। क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट वाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट हैव मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर द नोटिफिकेशन, ठीक है। तो एक चीज़ और, अगर फॉर्म में फिल करते टाइम ऐसा मांगा हुआ है कि बड़ा चढ़ाकर जो है आप लोगों को एजुकेशन डालने पड़ेगी, तो वो सारी मत डालना, कमी डाल देना, मिनिमम बेसिस पे जिस पे सिलेक्शन आप लोगों को लगता है कि होने की संभावना है या फिर इतनी ही ज़रूरत है वही डालना, बड़ा चढ़ाकर मत डालना। नेवी ट्रेड्समैन में भी मैंने देखा था बच्चों ने ग्रेजुएशन तक जो है फॉर्म को फिल कर दिया, तो थोड़ा देख के जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे एक दो ऊपर डाल दो, सारा डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डिपार्टमेंट सोचता है कि बच्चा 10वीं लेवल की वैकेंसी, IT लेवल की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन वाली क्वालिफिकेशन क्यों डाल रहा है, MBA वाली क्वालिफिकेशन क्यों डाल रहा है, तो थोड़ा देख के इन चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर नीचे आएंगे हम, नीचे जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं ये अलग अलग पोस्ट के लिए दे रखा है, तो मैं जो है आप लोगों को इसके लिए बता देता हूँ। जो मेंटेनर वाली पोस्ट है, 3 कोड जो दे रखे हैं, इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया 2 बेस पर होगा, पहले आप लोगों का रिटर्न होगा जैसे कि मैंने बताया, फिर आपका DV और मेडिकल होगा। मेडिकल मैंने आपको बताया B1 लेवल का होता है, और B1 लेवल का मेडिकल इतना डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आपको पता नहीं है B1 लेवल का मेडिकल क्या होता है तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों के लिए एक जो है वीडियो बना दूंगा B1 मेडिकल के लिए, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा। वैसे मैंने आज से 2 साल पहले सारे मेडिकल्स पे वीडियो बनाई थी, लेकिन वो जो है नेवी से रिलेटेड थी या फिर BFS से रिलेटेड थी, तो इस पर मैं आप लोगों के लिए B1 का क्राइटेरिया आपको दे दूंगा। उसके बाद जो यहाँ आप लोगों का एग्जामिनेशन है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिटर्न एग्जाम में क्या इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। टेक्निकल पेपर आता है जिसका मैंने आप लोगों को बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया स्टडी मटेरियल का, उससे थोड़ी सी देख लेना, तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। ज़्यादा महंगा नहीं है, 80-90 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा, हो सकता है कि उससे कम भी हो। और ये कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो आप लोगों की है वो आप देख सकते हैं कि किसके लिए क्या हो, क्या जो है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इन्होंने रखी है। ट्रेनिंग का जो पीरियड होगा प्रोबेशन का 2 साल का होगा, उसके बाद डिपार्टमेंट आप लोगों को किस ओहदे पर रखता है, कैसे ट्रीट करता है, वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट बॉन्ड साइन करवा ले, वैसे जो है होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी बाद में आपको पता है नोटिफिकेशन में चेंजेस हो जाते हैं। और 2 ईयर्स का यहाँ पर जो है आप ट्रेनिंग पीरियड है, उसके बाद आप लोगों को 100% पक्का कर दिया जाएगा, और पे एंड जो आपके एमोल्यूमेंट्स है वो आप लोगों के सही मिलते हैं, इसमें कुछ जो है अलग बात नहीं है। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC को जो मिलता है वो मिलेगा, और एज रिलैक्सेशन जो है जो आप लोग का UP MRC या रेगुलर एम्प्लॉय है उनके लिए देख लो आप क्या दे रखा है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं, लूट मचा रखी है, लेकिन तो ये जो लूट मस्ती है ना, इससे मुझे बहुत डर लगता है कि इतना पैसा क्यों लिया जा रहा है। देखो मैं बताता हूँ आपको, अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट जो है उनके लिए 590 रुपये फीस है, जिसमें GST 18% जो आप लोगों का अवेलेबल है। बट एक्सक्लूसिव वो बैंक चार्जेस फॉर ईच पोस्ट, SC ST कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल फी, SC ST को भी 236 रुपये यहाँ पर पे करने, तो 18% GST इंक्लूड है। बाकी लूट मचा रखिए, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। और एप्लीकेशन फ़ी इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस वंस पेड आप लोगों की वापस नहीं की जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाउ टू अप्लाई के लिए मैंने आप लोगों को 2 लिंक दे ही रखे हैं, बाकी फॉर्म की वीडियो मैं लेकर आऊँगा, उसकी चिंता आप लोग छोड़ दो। एक एक चीज़ आप लोग को बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताऊँगा कैसे फॉर्म फिल होता है, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में चेक करो कि भाई कैसे पेपर आते हैं प्रीवियसली। मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग चेक करो, मैं ऐसा करूँगा जो स्पेशली जो DMRC का है वो आप लोगों को दे दूँगा। इसके अलावा जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें LMRC DMRC जो आप लोग का NMRC है, इसके अलावा जो है डिफरेंट है जो आप लोग का मुंबई मेट्रो है, अलग अलग विभाग के जो है, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उससे आप लोग को पता चलेगा कि हाँ जी इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी मेरी तरफ से क्लियर है, इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जो फॉर्म का लिंक है, मतलब जिसमें रजिस्ट्रेशन और लॉगिन वाला पेज है, दोनों का लिंक अलग अलग मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ताकि फॉर्म फिल करने में कोई समस्या ना आए। अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो यूट्यूब पर आप लोग को फॉर्म की वीडियो सही से प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लोग उसके थ्रू भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर है भाई, देखो अच्छे काम कर रहे हैं, मना नहीं है, तो थोड़ा देख के केयरफुली
बाकी कीप इन टच, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए जो मैंने बोला है डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।